हेलो डियर स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं हरियाणा के एजुसेट चैनल पर टुडे वी विल डिस्कस क्लास इलेवेंथ बायोलॉजी चैप्टर नाइन बायोमोलिक्स पार्ट टू अर्लियर इन पार्ट वन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एमिनो एसिड्स लिपिड्स मोनोसेक्राइड्स न्यूक्लियोटाइड्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एटसेट्रा दिस पार्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग लिजन केयरफुल्ली सो लेट्सटार्ट आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिवस हैं बायो मैक्रोमोलिकूल्स के बारे में जानना प्रोटीन्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की जानकारी और पोलीसेक्राइड्स और न्यूक्लिक एसिड्स की स्टडी इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लाइफ डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर के भाग एक में हमने पिक्चर में दिखाए गए एक्सपेरिमेंट की हेल्प से जाना था कि सलरी को चीज क्लॉथ या कॉटन की मदद से छानने के बाद दो फ्रैक्शंस प्राप्त होते हैं एक फ्रैक्शन जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिज़ोल्व हो जाता है जिसे फिल्ट्रेट या एसिड सोलूबल पूल कहा जाता है और दूसरा फ्रैक्शन या अंश जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिजोल्व नहीं होता इसे हम रिटेंटेट या एसिड इन सोल्यूबल फ्रैक्शन कहते हैं आइए देखते हैं फिल्ट्रेट और रिटेंटेट में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन फिल्ट्रेट और एसिड सोलुबल पूल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एमिनो एसिड्स मोनोसेक्राइड्स न्यूक्लियोटाइड बेसिस एट्सेट्रा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट एंड फॉस्फेट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एसिड सोलुबल पूल। कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन रिटेंटेट और एसिड इन सोल्यूबल पूल आर प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डी एन एंड आर एन ए पोलिसकेराइड्स एंड लिपिड्स फिल्ट्रेट और एसिड सोल्यूबल पूल कंपाउंड्स फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल हैव मोलिकुलर वेट्स रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 हंड्रेड डालटन्स एप्रोक्सीमेटली रिटेंटेड और एसिड इन फ्रैक्शन एसिड इन फ्रैक्शन हैज़ ओनली फोर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इज प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स पोलीसेक्राइड्स एंड लिपिड्स दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स, विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स हैव मोलिकुलर वेट्स इन द रेंज ऑफ टेन थाउजेंड डाल्टन एंड अबो बच्चों एसिड सोलूबल पोल्स में जो कंपाउंड्स मिलते हैं उनका मोलिकुलर वेट 18 से 800 सौ तक होता है जबकि जो कंपाउंड्स हमें रिटेंटेट या एसिड इन फ्रैक्शन में मिलते हैं उनका मोलिकुलर वेट 10,000 हज़ार से ज़्यादा होता है रिटेंटेट में हमें फोर टाइप्स के कंपाउंड्स मिलते हैं जो हैं प्रोटीन्स एसिड्स polysaccharides or lipids dear students on the basis of molecular weight biomolecules can be placed in two groups number 1 biomicromolecules and number 2 biomacromolecules the compounds with molecular weight 18 to 800 dalton are placed under the category biomicromolecules and दी कम्पाउंडस विद मोलिकुलर वेट टेन थाउजेंड डालटन एंड अबोव प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी बायो माइक्रोमोलिक्स बच्चों जिन कम्पाउंड्स का मोलिकुलर वेट अठारह से आठ सौ डालटन या फिर हम कह सकते हैं एक हज़ार डालटन से कम होता है उन कम्पाउंड्स को हम बायो माइक्रोमोलिकुल्स की कैटेगरी में रखते हैं और जिन कम्पाउंडस का मोलिकुलर वेट दस हज़ार डालटन या उससे ज़्यादा होता है उन्हें हम बायो माइक्रोमोलिकूल्स की कैटेगरी में रखते हैं कंपाउंड्स विच हैव मोलिकुलर वेट्स लेस देन 1000 थाउजेंड आर यूजुअली रेफर टू एज माइक्रोमोलोलिकूल्स और सिंपली बायोमोलिकूल्स वाइल दोज विच आर फाउंड इन द एसिड इन सोलबल फ्रैक्शन आर कॉल्ड माइक्रोमोलिकूल्स और Biomacromolecules. The molecules in the insoluble fraction, with the exception of lipids, are polymeric substances. Then, why do lipids whose molecular weights do not exceed 800 Dalton come under acid insoluble fraction, that is, macromolecular fraction? Lipids are indeed small molecular weight compounds and are present not only as such but also arranged into structures like cell membrane and other membranes when we grind a tissue we are disrupting the cell structure cell membrane and other membranes are broken into pieces and form vesicles which are not water soluble therefore दीज मेम्रेन फ्रेगमेंट्स इन दम ऑफ वेसिकल्स गेट सेपरेटिड अरोंग विथ दी एसिड इन सोलबल पोल एंड हैं इन दी मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन लिपिड्स आर नोट स्ट्रिकली मैक्रोमोलोलिक्स डी स्टूडेंट्स एसिड इन सोलुबल फ्रैक्शन में जो कंपाउंड हमें मिलते हैं उनमें सिर्फ लिपिड्स ऐसे हैं जिनका मोलिकुलर वेट 800 हंड्रेड से कम होता है फिर भी ये हमें इसोल्यूबल फ्रैक्शन में मिलते हैं जिसमें और दूसरे कंपाउंड्स मैक्रोमोलिकुलर होते हैं ऐसा क्यों बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिपिड्स वाटर में इनसोलुबल होते हैं दूसरा जब हम टिश्यू की ग्राइंडिंग करते हैं तो हम सेल स्ट्रक्चर्स को तोड़ते हैं और इन लिपिड से सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है जो टूटने के बाद वेसिकल्स फॉर्मेशन करती है और ये वेसिकल्स वाटर इन्सोलुबल होते हैं इसलिए ये मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स वेसिकल्स की फॉर्म में एसिड इन्सोलुबल पूल में ही मिलते हैं लिपिड्स आर नोट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिकोल्स इसका मतलब है बच्चों लिपिड्स को मैक्रोमोलिकूल्स की कैटेगरी में नहीं रखते क्योंकि इनका मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है इन्हें हम माइक्रोमोलिकोल्स की कैटेगरी में रखते हैं प्रोटीन्स प्रोटीन्स आर ओलीपैपटाइट्स दे आर लीनियर चेंज ऑफ एमिनो एसिड्स लिंक बाई पैप्टाइड बोंड्स आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार एमिनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड्स द्वारा एक दूसरे से जुड़कर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं जिससे प्रोटीन बनता है इस प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स एज देर आर 21 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स एग्जाम्पल गिवन एलानीन सिस्टीन प्रोलिन ट्रिप्टोफेन लाइसिन एटसेट्रा ए एक प्रोटीन इज एट्रोपोलीमर एंड नोटे होमोपोलीमर ए होमोपोलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स बच्चों आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा होगा कि होमोपोलीमर सिर्फ एक ही प्रकार के मोनोमर से बना होता है जबकि प्रोटीन एक ऐसा पॉलीमर है जो 21 अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है इसलिए प्रोटीन एक हेट्रोपोलीमर है नाउ लेट अस सी फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स प्रोटीन्स कैरी आउट मैनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रियट्स एकोसेल मेम्रेन सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स सम आर हॉर्मोन्स समर एनजाइम्स एट्सट्रा कुछ प्रोटीन्स तथा उनके फंक्शंस टेबल में दिए गए हैं जैसे कोलेजन इंटर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है इंसुलिन एक हार्मोन है इसके अलावा प्रोटीन सेंसरी ऑर्गन्स में रिसेप्टर का कार्य करता है गलटफोर एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो सेल्स में ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट कोलेजन इज़ दी मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड एंड रिबुलोज बीसफोर्सपेट कार्बोक्सीज ऑक्सीजनेज, रूबिस्को इज द मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इन दी वॉल ऑफ द बायोस्फीयर बच्चों कोलेजन प्रोटीन जंतुओं में पाए जाने वाले प्रोटीन्स में सबसे ज़्यादा होता है तथा पूरे जैवमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन रूबिस्को है जो एक एंजाइम है ये एंजाइम फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है आइए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट फोर लेवल्स प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स that is the positional information in a protein which is the first amino acid which is second and so on is called the primary structure of a protein in this diagram you can see that various amino acids are linked by bonds named peptide bonds if we represent a polypeptide through a straight line

जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं अगर हम पॉलीपेप्टाइड को एक स्ट्रिंग की तरह रिप्रेजेंट करें तो उसके राइट हैंड साइड पे जो एमिनो एसिड होता है उसको हम सी टर्मिनल रेजिडू बोलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे जो एमिनो एसिड रेजिडू होता है उसको हम एन टर्मिनल रेजिडो बोलते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड में अलग अलग एमिनो एसिड्स पेप्टाइड बोंड द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं नाउ लेट डिस्कस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू लोकल फोल्डेड स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म विद इन ए ड्यू टू इंटरेक्शंस बिटवीन एटम्स द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आर हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दैट प्रोटीन्स एक स्टेट चेन की तरह नहीं होते बल्कि ये एक कुंडली की तरह मुड़े होते हैं और ये फोल्डेड स्ट्रक्चर्स पॉलीपेप्टाइड के एटम्स के बीच इंट्रैक्शंस के कारण बनते हैं जिन्हें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं एल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट मोस्ट कॉमन टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं

पॉलीपेप्टाइड का थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट प्रोटीन्स के टर्सरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज फोल्डेड अपॉन इट सेल्फ लाइक ए होलो वुलन बॉल गिविंग राइज टू दी टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की लंबी चेन अपने ऊपर ही ऊन के एक खोखले गोले के समान मुड़ी हुई होती है जिसे प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं द टर्सरी स्ट्रक्चर इज प्राइमरली ड्यू टू इंट्रैक्शंस बिटवीन द आर ग्रुप्स ऑफ द एमिनो एसिड्स दैट मेक अप द प्रोटीन मींस एमिनो एसिड्स के आर ग्रुप्स में इंट्रैक्शन के कारण प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है टर्सरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर दी मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन्स बच्चों प्रोटीन्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए इसका टर्सरी स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है नंबर फोर इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मैनी प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ ए सिंगल पोलीपैप्टेन एंड हैव ओनली थ्री लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर हाउ एवर सम प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मल्टीपल चेन्स, एज सब यूनिट्स वैन दीज सब यूनिट्स कम टूगैदर दे गिव द प्रोटीन इट्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जब एक से ज़्यादा पोलीपैप्टाइड एक दूसरे के पास आते हैं तो इन पोलीपैप्टाइड्स का अरेंजमेंट प्रोटीन्स के क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ फोर सब यूनिट्स टू ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर टू सब यूनिट्स ऑफ एल्फा टाइप एंड टू सब यूनिट्स ऑफ बीटा टाइप टुगेदर कंस्टिट्यूट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन डियर स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन प्रोटीन के वाटरनरी स्ट्रक्चर का एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारी बॉडी में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन चार पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है जिसमें दो पॉलीपेप्टाइड अल्फा टाइप की और दो पॉलीपेप्टाइड बीटा टाइप की होती हैं जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं और ये चारों सब यूनिट्स मिल कंप्लीट हीमोग्लोबिन बनाती हैं आइए अब जानते हैं नेक्स्ट मैक्रोमोलिकूल पोलीसेकराइड के बारे में पोलीसेकेराइड्स द एसिड इन पैलेट ऑल्सो हैज पोलीसेक्राइड्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिकूल्स केमिकल कंपाउंड एनालिसिस एक्सपेरिमेंट में रिटेंटेड या एसिड इन फ्रैक्शन में पोलिसकेराइड भी प्रेजेंट होते हैं पोलीसेक्राइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स दे आर थ्रेड्स लिटरली एक कॉटन थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज इज ए पोलीमेरिक पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड दैट इज ग्लूकोज सेल्यूलोज इज ए होमोपोलीमर पोलिसकेराइड्स की लॉन्ग चेन मोनोसेकेराइड्स शूगर से मिलकर बनी होती है उदाहरण के तौर पर सेलुलोज एक होमोपोलीमर है जो एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड्स दैट इज ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं प्लांट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोजिक स्टार्च इज ए वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यूज एनिमल्स हैव अनदर वेरियंट कोल ग्लाइकोजन इनोलिन इज ए पोलिमरो फ्रक्टोज इन ए पोलिसक्राइड चेन से ग्लाइकोजन द राइट एंड इज कोल्ड द रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कोल्ड द नॉन रेड्यूसिंग एंड बच्चों पौधों और जंतुओं में पोलीसेकराइड्स अलग अलग फॉर्म में मिलता है और इसके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं जैसे प्लांट सेल्स में सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है स्टार्च भी पोलीसेक्राइड ही होता है जो प्लांट्स में स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी का काम करता है एनिमल्स में ग्लाइकोजन मिलती है इनुलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स इनफेक्ट स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मोलिकुल्स इन दैलिकल पोर्शन दयोडीन इज ब्ल्यू इन कलर सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसिस एंड हैस कैन नाट होल्ड आयोडीन इसलिए हम स्टार्च को आयोडीन टेस्ट द्वारा जाँच सकते हैं और सेलुलोज को आयोडीन टेस्ट द्वारा नहीं जाँच सकते इस पिक्चर में दिखाया गया है कि जब आयोडीन सॉल्यूशन को स्टार्च के सैंपल में मिलाया जाता है तो इसका कलर डार्क ब्लू हो जाता है इस टेस्ट द्वारा हम बता सकते हैं कि दिए गए सैम्पल में स्टार्च प्रेजेंट है या एबसेंट है नाउ लेट अस सी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स देर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स इन नेचर दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स एमिनो सूगर्स एंड कैमिकली मोडिफाइड सूगर्स एग्ज़ाम्पल गीवन ग्लूकोसाम एन ऐसीटाइल गलेक्टोसामीन एटसट्रा बच्चों प्रकृति में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पोलिसक्राइट्स मिलते हैं ये एमिनोसूगर्स और मोडिफाइड सूगर्स जैसे ग्लूकोसामीन एन ऐसीटाइल गलेक्टोसामीन से बने होते हैं एक्जोस्केल्ट ऑफ आर्थ्रोपोड्स, फॉर एग्जाम्पल हैव ए कॉम्प्लेक्स पोलिसकेराइड कोल्ड काइटीन आर्थ्रोपोड्स जैसे स्कॉर्पियन और कॉकरोच का आउटर प्रोटेक्टिंग कवर एक कॉम्प्लेक्स पोलिसक्राइड काइटीन से बना होता है दीज कॉम्प्लेक्स पोलिसक्राइड्स आर मोस्टली होमोपोलीमर्स आइए अब देखते हैं नेचर ऑफ बोन लिंकिंग मोनोमर्स इन ए पोलीसेक्राइड इन ए पोलिसकेड द इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड्स आर लिंक्ड बाय ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय डिहाइड्रेशन दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू कार्बन एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसेकराइड्स जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एडजेसेंट मोनोसेक्राइड्स के दो कार्बन एटम्स के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है इस रिएक्शन में एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लिक एसिड्स आर दायोमैक्रोमोलिकूल्स एसेंशियल टू ऑल नॉन फॉर्म्स ऑफ लाइफ दीज आर पोलिन्यूक्लियोटाइड्स बच्चों न्यूक्लिक एसिड्स सभी ऑर्गेनिज़म्स के लिए एसेंशियल और इम्पोर्टेंट होते हैं ये पोली न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसका अर्थ है कि न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं टुगेदर विद पोलीसेराइड्स एंड पोलीपैप्टाइड्स दिज कॉम्प्राइज दी ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और सेल Nucleic acids are of two types. First type is DNA, and the second type is RNA. For nucleic acids, the building block is a nucleotide. A nucleotide has three chemically distinct components one is a heterocyclic compound, the second is a monosaccharide, and the third is a फोस्फोरिक एसिड और फोस्फेट एज यू कैन सी इन द डायग्राम, न्यूक्लियोटाइड थ्री कंपोनेंट से मिलकर बना होता है जिसमें फर्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सेकंड एक मोनोसाकेराइड और थर्ड है फोस्फेट ग्रुप द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड्स आर द नाइट्रोजिनस बेसिस नेम एडिन गुएनिन यूरेसिल साइटोसिन एंड थाइमिन न्यूक्लियोटाइड में जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है वो एक नाइट्रोजिनस बेस होता है न्यूक्लिक एसिड्स पांच प्रकार के नाइट्रोजिनस बेसिस से मिलकर बने होते हैं जो हैं एडिनिन गोनिन यूरेसिल साइटोसिन और थाइमिन एडिनिन एंड गोनिन आर substituted purines while the rest are substituted pyrimidines strings of nucleotides are bonded to form helical backbones typically one for rna two for dna the sugar found in nucleotides is either ribose a monosaccharide pentose or two prime deoxyribose a nucleic acid containing deoxyribose is called deoxyribonucleic acid or dna while that which contains ribose is called ribonucleic acid or we can say rna now let's discuss secondary structure of dna one of the secondary structures exhibited by dna is the फेमस वाट्सन क्रिक मॉडल दिस मॉडल सेज दैट डी एन एग्जिस्ट एज ए डबल हेलिक्स। बच्चों वाटसन और क्रिक ने डीएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया तथा उन्होंने बताया कि डीएनए डबल हेलिक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है पोलिन्यूक्लियोटाइड चें एक दूसरे के पैरल होती हैं पोली न्यूक्लियोटाइड बैकबोन बोन शूगर फोस्पेट से बनी होती है दो न्यूक्लियोटाइड्स के नाइट्रोजन बेसिस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं एडिनिन और थाइमिन के बीच दो तथा साइटोसिन और गुवनिन के बीच तीन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं You can see double stranded polynucleotide chain in the picture. Dynamic state of body constituents, concept of metabolism. The flow of metabolites through a metabolic pathway at a definite rate and in a definite direction is called the dynamic state of the body constituents. One of the greatest discoveries ever made was the observation that all these biomolecules have a turnover. This means that they are constantly being changed into some other biomolecules and also made from some other biomolecules. This breaking and making is through chemical reactions constantly occurring in. लिविंग ऑर्गेनिज़म्स टुगेदर ऑल दीज कैमिकल रिएक्शंस आर कार्ड मेटाबोलिज़म बच्चों हमारे शरीर में बायोमोलिकूल्स बनते और टूटते रहते हैं एक प्रकार के बायोमोलिकूल से दूसरे प्रकार के बायोमोलिकूल्स बनते रहते हैं इन बायोमोलिकूल्स के बनने और टूटने की रिएक्शंस बॉडी में कंटिन्यूसली चलती रहती हैं और इन सभी रिएक्शंस को मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं ये सभी एंजाइम्स की हेल्प से होती हैं क्योंकि एंजाइम्स इन रिएक्शंस के रेट या स्पीड को बढ़ा देता है जिससे हमें जितने अमाउंट में बायोमोलिक्स या प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है वो उतनी ही स्पीड से हमारी बॉडी में बनते या टूटते रहते हैं मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग डियर स्टूडेंट्स मेटाबॉलिक पाथवेज आर ऑफ टू टाइप्स नंबर वन एनाबॉलिक पाथवेज एंड नंबर टू कैटाबॉलिक पाथवेज बच्चों मेटाबॉलिक पाथवेज दो प्रकार के होते हैं जिनमें पहला है एनाबॉलिक पाथवेज और दूसरा होता है कैटाबोलिक पाथवे एनाबोलिक पाथवेज आर दोज दैट रिक्वायर एनर्जी टू सिंथेसाइज लार्जर मोलिकल्स वाइल कैटाबोलिक पाथवेज आर दोज दैट जनरेट एनर्जी बाई ब्रेकिंग डाउन लार्जर मोलिकल्स एनाबोलिक पाथवेज में छोटे मोलिकूल्स को मिलाकर लार्जर मोलिकूल्स बनते हैं और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जबकि कैटाबोलिक पाथवेज में बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं और कैटाबोलिक पाथवेज में एनर्जी जनरेट होती है या हम कह सकते हैं एनर्जी लिबरेट होती है बोथ टाइप्स ऑफ पाथवेज आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग दी सेल्स एनर्जी बैलेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी इन लिविंग सिस्टम इज़ द बॉन्ड एनर्जी इन ए केमिकल कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफोसफेट और ए बच्चों किसी भी लिविंग सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एनर्जी करेंसी उसके ए टी होते हैं इन ए टी के बॉन्ड्स में एनर्जी ट्रैप होती है जब ये बॉन्ड्स टूटते हैं तो उससे एनर्जी लिब्रेट होती है और अपनी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल्स इन ए को यूटिलाइज करके एनर्जी प्राप्त करते हैं उम्मीद है बच्चों आपको बायोमोलिकोल्स का पार्ट टू समझ में आया होगा और आपको यह इंटरेस्टिंग लगा होगा थैंक यू